सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापूजी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। एक पुत्र का धर्म क्या है, एक पिता का धर्म क्या, एक भाई का धर्म क्या, एक पति का धर्म क्या, एक मित्र का धर्म क्या, और एक शत्रु का भी अपना धर्म होता है। ध्यान देना, आजकल लोग शत्रुता के धर्म को भी भूल गए। मित्रता तो छोड़ो, लोगों को लड़ना भी नहीं आता, कमाल है। एक शायर ने बहुत अच्छी बात कही कि दुश्मनी करो तो धमके करो, लेकिन इतना फासला रखना। दुश्मनी करो धमके करो, इतना फासला रखना कि दुश्मनी कभी दोस्ती में बदल जाए तो तुम्हें शर्मिंदा न होना पड़े। कभी कभी दुश्मन दोस्त भी हो जाते हैं, ऐसे गिरकर दुश्मनी ना करना कि बाद में तुम्हें शर्मिंदगी झेलनी पड़े, नजरें उठा ना पाओ। दुश्मनों के भी अपने कुछ उसूल होते हैं, कुछ धर्म होते हैं। हाँ, तो भगवान राम का चरित्र हमें हर कैरेक्टर का दर्शन कराता है, एक भाई का, एक पिता का, एक पुत्र का, एक पति का, एक मित्र का, एक शत्रु का। और मैं तो कहता हूं राजनेताओं को भी रामायण सुननी चाहिए, क्योंकि राज धर्म क्या है, राम से बढ़िया और दुनिया में कौन दर्शन करा सकता है। हाँ, एक राजा का धर्म क्या है, सीखो प्रभु राम से। प्रजा से एक आवाज उठी मां जानकी के लिए, तो भगवान ने दुनिया के हर नेताओं को दर्शन कराया कि सुनो, एक राजा का धर्म क्या होता है, कि प्रजा की प्रसन्नता के लिए अपने प्रिय पात्र का भी त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए, लेकिन प्रजा को दुखी नहीं करना चाहिए, वो होता है राज धर्म। और भगवान राम ने दुनिया को राज धर्म का दर्शन कराया, एक राजा बनकर के राज धर्म का दर्शन। हर चरित्र का परमात्मा ने दर्शन कराया है, हर स्वरूप का दर्शन कराया। इसलिए रामायण हर किसी को सुननी चाहिए भैया, जातिवाद से ऊपर उठकर, प्रांतवाद से ऊपर उठकर। और मैं एक बातें और कहना चाहूंगा कि आजकल जातियों में भी दो फाड़ हो रहे हैं। हाँ, मैं गुजरात गया तो वहां पटेल बहुत है गुजरात में, तो मैंने देखा कि पटेलों में भी दो पटेल हो गए। फिर मैंने देखा कि भाई उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण बहुत है, तो ब्राह्मणों में भी कितनी लीपापोती होने लग गई। हाँ, सरजू पारी अलग, कान्यकुब्जी अलग, ये अलग वो अलग, कमाल है। अरे पंडित हो इतना काफी नहीं है? हाँ, पंडित में भी ये बीच में ये सब लगाना जरूरी है? देश के इतने टुकड़े हो गए, अभी तक संतोष नहीं है? हाँ, अभी तक ये मानसिकता बनाकर और कितने टुकड़े कराना चाहते हो प्यारे? जाति बाद के झगड़े से अभी देश निपटा नहीं है कि जातियों में भी अभी ये लड़ाई शुरू हो गई? रामायण सुनने आओ मेरे भाई बहन, तो ये मानसिकता को छोड़ कर आओ। इसलिए इस बार हमने पांडाल का गेट छोटा करा दिया कि फालतू की चीजें वहां छोड़ कर आओ, रामायण कथ सुनने आओ तो यहां एक अच्छे इंसान बनकर आओ और अच्छे इंसान बनकर जाओ प्यारे। इसलिए रामायण कथा होती है। हाँ, ये गेट के बाहर इतनी सारी जो दीवार बनाई गई है वो इसलिए, ये सारी गंदी बातें वहां छोड़कर आना, कथा में शुद्ध इंसान बनकर आओ। तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो हिंदू बनेगा
मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद इंसान बनेगा, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद इंसान बनेगा। खुदा ने इंसान बनाया था, हम क्या से क्या बन बैठे। खुदा ने केवल इंसान बनाया था, हम क्या से क्या बन बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हाँ, अरे हमसे तो अच्छे वो परिंदे हैं जो कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। हमसे तो अच्छे वो परिंदे हैं साहब। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, तू हिंदू बनेगा मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, मानव होना काफी नहीं है। हाँ, इस तरह की मानसिकता को छोड़कर आओ, रामायण में प्रवेश करो तो एक अच्छे इंसान बनकर आओ और यहां से इंसानियत का ज्ञान लेकर जाओ। तो 9 दिवस तक मेरे भाई बहन विशुद्ध रूप से एक इंसान बनकर हमको आना है, और एक इंसान का जीवन कैसा होता है इन सब से ऊपर उठकर देखो। तब हर वर्ग के लिए बाबा तुलसी ने रामायण लिखी है। मैं ये नहीं कहता जातिवाद को छोड़ दो, ठीक है आपकी इच्छा है जातिवाद को रखने की रखो, लेकिन तुम्हारी जाति के प्रति तुम्हारा क्या कर्तव्य है। आज पता है जाति वाले ही जाति वाले के दुश्मन हो रहे, सबसे बड़ी बीमारी आजकल ये चल रही, जाति वाले ही जाति वाले के दुश्मन, अपनी जाति के दुश्मन। मैंने सुना है किसी गांव में एक कुत्ते की इच्छा हुई कि मैं काशी जाऊं। हो सकता है, इसमें आश्चर्य की बात क्या, इंसान जैसे तीर्थ यात्रा करता है तो कुत्ते की भी इच्छा हुई कि भाई हम भी काशी होकर आए। हाँ, तो उसने एक मीटिंग बुलाई, अपने सभी जाति वालों को बुलाया, कुत्तों की जो जाति है सब अपने उसमें, बड़े बुजुर्ग मोटे मजले छोटे सब कुत्ते वहां उपस्थित हुए। सबके साथ उसने सलाह मशवरा किया कि भाई मुझे काशी जाना है, मेरी इच्छा है कि अपनी जाति में आज तक कोई काशी गया नहीं, सब यहाँ ही जन्मते हैं यहाँ ही मर जाते हैं, तो मेरी इच्छा है कि मैं एक बार काशी होकर आऊँ। तो सारे कुत्तों ने कहा कि वाह क्या विचारधारा है तुम्हारी भाई, बहुत अच्छा, अच्छी सोच है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तो बोला बस इसीलिए आप लोगों को बुलाया था कि आप सब लोग मेरे लिए दुआ करना, आशीर्वाद देना कि हम अकेले काशी जा रहे हैं और करीब करीब मुझे लगता है कि 1 महीने तो लग जाएंगे भाई, 10 दिन जाना 10 दिन उधर से लौटना, और कम से कम काशी इतना बड़ा है तो वहां गंगा स्नान करूंगा, संकट मोचन दर्शन करूंगा, विश्वनाथ जी का दर्शन करूंगा, अभिषेक करूंगा, ये सब दर्शन करते कराते 10 दिन तो लगेंगे। तो सभी कुत्ते की जो जो जाति वाले वहां उपस्थित थे, उसके सब बड़ील बुजुर्ग, वो सब ने उसको आशीर्वाद दिया कि बेटा बहुत बहुत आशीर्वाद है हमारा, बहुत नेक काम तू करने जा रहा है, चल जब तू 1 महीने बाद लौटेगा ना तो हम सब लोग तेरा फूलहार करेंगे, तेरा फोटो खींचेंगे। सब ने उसको आशीर्वाद दिया और फूल माला उसको दे करके नगर के बाहर तक छोड़ने गए, अच्छा काम करने जा रहा है। करीब 15 दिन बीते,
15 दिन के बाद नगर के दूसरे कुत्तों ने देखा कि वो तो यहां ही घूम रहा है अपने ही गांव में। तो कई लोगों ने उसको पूछा कि भाई काशी नहीं गया क्या, और तू तो कह रहा था एक महीने बाद लौटेंगे, ये 15 दिन में, इसका मतलब काशी गया नहीं। उस कुत्ते ने उदास होकर कहा कि दादा क्या बताऊं, काशी तो गया, दर्शन भी किया, लेकिन जो यात्रा एक महीने में होनी थी ना, मेरी जाति वालों ने उसको 15 दिन में करा दिया। कैसे? बोले आप लोगों ने मुझे नगर के बाहर छोड़ा ना, तो वहां मेरी ही जाति वाले मेरे पीछे पड़ गए और इतनी तेज मुझे दौड़ाया, दूसरे गांव भागा, वहां के हमारी जाति वाले कुत्तों ने फिर दौड़ा दिया, इतनी तेज भागता भागता गया और सारे जाति वाले हमारे पीछे पड़ गए और बड़ी मुश्किल से जान बचाते बचाते मैं यहां पहुंचा। अब सोचा जाए तो इंसान में और उन कुत्तों में क्या फर्क रहा भाई, यदि हम भी अपनी जाति वाले से लड़ना शुरू कर दे, एक दूसरे को देखकर गुर्राना शुरू कर दे, हाँ, तो इंसानों में और उनमें फर्क क्या। राम कथा सुनने आओ मेरे भाई बहन, छोड़ो ये जातिवाद के विवाद के झगड़े को, एक अच्छे इंसान बनो, परमात्मा ने हमको इंसान बनाया था। अब राम जी आए तो राम जी के नाम के आगे, अब राम जी तो क्षत्रिय थे ना, तो आपने कहीं सुना कि राम जी के आगे सिंह लगाओ, राम सिंह, हाँ, लक्ष्मण सिंह, ये हम लोगों ने शुरू कर दिया प्यारे। कृष्ण कुमार यादव सुना आपने कभी, बलराम जी यादव, हाँ, ये हम लोगों ने नाटक शुरू किया है भाई। केवल इंसान इतना काफी नहीं है, रामायण हमें इंसानियत की शिक्षा देती है, एक इंसान कैसा होना चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, वैश्य शूद्र नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं, रामायण सिर्फ और सिर्फ इंसान बनने की सीख देती है, एक अच्छे इंसान बन जाओ, परमात्मा को इंसान प्रिय है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापूजी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।